ये है हमारी स्टोरी सो कॉल्ड परफेक्ट जोड़ी की, बट यार कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको थोड़ा सा एफर्ट करके भाई लोग क्या हालचाल। तो भाई लोग क्या फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी का डिवोर्स होने वाला है? क्योंकि कुछ टाइम से फ्लाइंग बीस्ट के वीडियो में रितु राठी नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद इंटरनेट पर ये न्यूज काफी तेजी से फैल रही है कि रितु राठी कुछ दिनों पहले रमानंद महाराज के पास गई थी, जहां उन्होंने महाराज जी से पूछा कि मैंने अपने पति से प्यार किया और उसके बदले में मुझे छल कपट और अपमान मिला, अब मैं क्या अपने बच्चों की हक की लड़ाई लड़ूं? जिसके बाद फ्लाइंग महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अब की अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाली जू की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ, श्रीजी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्रीजी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्रीजी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परीक्षण छूट? नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखो, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे, गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति। उसने इंस्टाग्राम पर बताया लिखते हुए, मैं अपने बच्चों के लिए चुप रहूंगा और मेरे बच्चे की माँ मैं अपनी पूरी जिंदगी सारी नकारात्मकता और नफरत के साथ जीने के लिए तैयार हूँ, कृपया किसी सार्वजनिक स्पष्टीकरण की अपेक्षा ना करें और कोई भी धारणा ना बनाएं गलत तरीके की। पुरुषों को बहुत जल्दी खलनायक बना दिया जाता है और हम रोते नहीं है, कम बोलते हैं और कम अभिव्यक्त करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने का स्थान नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तो इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।